हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस जो कि बेस्ड होगा इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट फॉर क्रैक द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी टेट एग्जामिनेशंस इन 2022। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन सा एक इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट होना चाहिए या इम्पोर्टेंट बुक्स आपके पास होना चाहिए। तो प्लीज आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, और इस वीडियो को अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और किसी भी किस्म का दिक्कत हो बुक्स से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, तो प्लीज आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी टेट का जो पेपर्स है वो 5 पेपर्स पे बेस्ड है। ओके, 5 पेपर्स। सबसे पहले जो एक लैंग्वेज ग्रुप है, जिस जो कि अगर आप लोग का लैंग्वेज उर्दू है तो ये पहला पेपर उर्दू, सेकेंड होगा आपका इंग्लिश जो कि एकदम कंपलसरी है, इसके बाद CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके बाद EVS जो कि इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इंग्लिश हो गया, उसके बाद है मैथ। ओके, ये 3 सब्जेक्ट सब में कॉमन है, उर्दू किसी का अपना मदर लैंग्वेज होगा लेकिन इंग्लिश कॉमन, ये 4 जो सब्जेक्ट है ये सब कॉमन है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये कौन इन सब सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा हेल्पफुल बुक होगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं उर्दू से रिलेटेड कौन सा इम्पोर्टेंट बुक्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उर्दू से रिलेटेड जो बुक होगा, एक सिंपल कवायद का बुक है जिसका नाम है कवायदे उर्दू। ओके, कवायदे उर्दू एक मुख्तसर सिंपल बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आप लोग को समझ में आएगा, और इसके जो राइटर है आप लोग देख सकते हैं मौलाना अजीजुर रहमान सल्फी। ओके, ये एक जामिया सल्फी में पढ़ाए जाने वाला एक इम्पोर्टेंट उर्दू कायदा का बुक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट और सिंपल इजी लैंग्वेज में है। ओके, और ये अदारतु जौसुल इस्लामिया जामिया सल्फिया से ये पब्लिश होता है। इसके बाद से दूसरा जो बुक होगा फॉर उर्दू ग्रामर्स के लिए, बेसिक्स उर्दू के लिए, यह कवायदे उर्दू। ओके, उर्दू कवायद ये पार्ट नंबर 3 है, कवायदे उर्दू है ये पार्ट नंबर 3 है, और ये जे पब्लिकेशंस देख लेते हैं, जावेद पब्लिकेशन से कलकत्ता से ये पब्लिश होता है, और इसके जो राइटर है डॉक्टर शब्बीर अहमद, वेरी फेमस डॉक्टर शब्बीर अहमद, जावेद पब्लिकेशन से ये बुक पब्लिश होता है, और ये बुक आपको मिल जाएगा कोलकाता 73 में। ओके, ये उर्दू के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ग्रामर के लिए बेस्ट बुक होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इल्मो फन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इल्मो फन क्लास 11 के लिए ये बुक होगा, क्लास 11 में ये बुक चलता है उर्दू स्कूल्स में, और ये इल्मो फन ये बुक होगा, ये HS में चलता है, और इसके जो पब्लिकेशंस हैं, इनके जो पब्लिकेशंस है उस्मानिया बुक डिपोर्ट। ओके, ये भी आपको कोलकाता में मिल जाएगा, उस्मानिया बुक डिपोर्ट से ये मिल जाएगा, और इसके जो राइटर इब्ने वजूद, ओके, वेरी यंग और वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट वन इज, उसके बाद देख लेते हैं और उर्दू का जो कायदा फिरदौस उर्दू कवायद मा मजामीन, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मजामीन लिखने के लिए भी होंगे। तो फिरदौस उर्दू कवायद जो के बच्चों क्लास में चलता है क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक। ओके, तो इस बुक को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इनका जो पब्लिकेशंस का जो पब्लिशर है डॉन बुक डिपोर्ट। ओके, डॉन बुक डिपोर्ट ये मिल जाएगा आपको कांकीनारा में, और ये 6 नंबर गली कांकीनारा में, इसका मोबाइल नंबर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अदब की तफहीम। ओके, ये क्लास 12 की एक बुक होगी जो कि बहुत ही इसमें शायर के बारे में, अदीब के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट इन लोगों के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, इकबाल हो, गालिब हो, मीर तकी मीर हो, और सर सैयद अहमद खान हो। ओके, इनकी क्या तहरीकें थी, इन लोगों के बारे में इस बुक में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, क्लास 12 का ये गाइड है। ओके, क्लास 12 का ये गाइड बुक है। इसके जो पब्लिकेशंस हैं अता बुक सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, अता बुक सेंटर। ओके, ये कलकत्ता में ये भी बुक मिल जाएगी, और इनके जो राइटर है नूर इस्लाम। ओके, इनको नजरसानी किया गया है प्रोफेसर डॉक्टर हमायूं जमील खान। ओके, ये है कुछ इम्पोर्टेंट। इसके अलावा और भी हम लोग देख लेते हैं उर्दू कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स, फिरदौस उर्दू कायदा मा मजामीन, ये उसी फिरदौस उर्दू कायदा, और ये डॉन बुक डिपोर्ट पब्लिकेशंस हैं। इसके बाद ये तो हुआ उर्दू ग्रामर्स के लिए। अगर आप लोग उर्दू का पेडागोजी करना चाहते हैं तो बिहार में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स मिलता है उर्दू पेडागोजी के लिए, देखिए गोल्डन
बिहार मुअल्लिम एहलियती एग्जाम, ओके, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, यानी इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे उर्दू पेडागोजिकल क्वेश्चंस आपको मिल जाएगी। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं उर्दू जुबान, तदरीस उर्दू, यानी वही उर्दू पेडागोजी, ओके, तदरीस उर्दू डेट मीन्स उर्दू पेडागोजी, और ये 1 to 5, 5 to 8 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं किस एग्जाम में लिए, किस एग्जाम के लिए, तो आप कोई भी सी टेट, बी टेट हो या अदर स्टेट के जितने भी टेट्स एग्जाम होते हैं पूरे इंडिया में, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सी टेट, बी टेट और इसके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, मॉडल क्वेश्चंस पेपर भी है, सेल्फ प्रैक्टिस भी है और ओएमआर शीट भी है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और ये बुक हम लोग लिए थे ये खजांची रोड पटना से, ओके, इसका जो कीमत है 150, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग मोबाइल नंबर शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसी का एक दूसरा पार्ट है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जरिए मुनक्किद जो टेट होता है, एसटेट, ओके, जिसको बिहार में एसटेट बोलते हैं, स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो गोल्डन एसटेट सेकेंडरी मुअल्लिम, यानी सेकेंडरी मुअल्लिम डेट मीन्स 9, 10, 11, 12 के टीचर्स की अपॉइंटमेंट जो एग्जाम होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसके अलावा अदर टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है, ओके, और ये इकबाल पब्लिकेशन, ये भी पटना के खजांची रोड से पब्लिकेशन पब्लिश होता है। इसके अलावा आप लोग उर्दू में, आप लोग उर्दू के जो इम्पोर्टेंट जो ग्रामर्स बुक हैं आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जैसे उर्दू कायदा 1 से लेके 4, 1, 2, 3 बेसिक्स, जो कि उर्दू स्कूल में प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में जो बुक्स चलती हैं उसके जो बेसिक्स ग्रामर आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इब्ने वजूद है उर्दू ग्रामर्स के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं ईवीएस के लिए, ईवीएस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट बुक्स होगा। तो सबसे पहले ईवीएस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने कमेंट किए थे और ग्रुप्स में भी ये बात पूछा गया था कि ईवीएस के लिए सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को कमेंट किया था ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशंस का एक बहुत ही बेस्ट बुक है और पियर्सन इसके राइटर है, पियर्सन, ओके, थ्रॉप एंड थ्रॉप, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक होगा ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का EBS। इसके अलावा आप लोग, हम लोगों ने इस बुक को फॉलो किया था क्वेश्चन आंसर सेशन एनवायरमेंटल स्टडीज, ओके, ये आपको है BA, BSc, BCom के जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन होता है यूनिवर्सिटीज में, कलकत्ता, ओके, बर्धवान यूनिवर्सिटी में, कल्याण यूनिवर्सिटी में, जो इंपॉर्टेंट जो EBS के जो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, तो आप लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही पतली सी बुक है और ये कॉलेज स्ट्रीट में और किसी भी बुक स्टॉल में या कॉलेज के सामने ये मिल जाएगा। और इसके जो पब्लिशर है देख लीजिए, न्यू कल्पना प्रकाशनी, ओके, प्रकाशनी, ये कॉलेज स्टेट में आपको ये बुक्स मिल जाएगा। इसका जो राइटर है डॉक्टर DB चक्रवर्ती। इसके अलावा ईवीएस के बुक इंपॉर्टेंट ये हो सकता है ग्रीन प्लांट, ओके, ग्रीन प्लैनेट, ये प्लांट बोल सकते हैं, ग्रीन प्लांट एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर क्लास 8, ओके, तो इसके जो एक सीरीज आता है ग्रीन प्लांट का, एक सीरीज आता है क्लास 6 से लेके क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के बुक को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके जो पब्लिशर्स का नाम हम बता दे रहे हैं A1 बुक सेंटर, ओके, A1 बुक सेंटर, ये बुक मिल जाएगा आपको कांकिनारा में, ओके, और इनका ये मोबाइल नंबर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके सीरीज को फॉलो कीजिएगा आप लोग एनवायरमेंटल्स का, और भी आप लोग इन्वायरमेंट को फॉलो, इन्वायरमेंट को और बेस्ट बनाने के लिए आप लोग क्लास 10th का जो ज्योग्राफी बुक है गवर्नमेंट का, क्लास 10th का जो ज्योग्राफी बुक है जदीद सेकेंडरी ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, ओके, इसी तरह आप लोग कुछ हिस्ट्री का बुक है उसमें प्लस इन्वायरमेंट है, इसी तरह आप लोग फिजिक्स, ओके, फिजिक्स के बुक प्लस इन्वायरमेंट है, केमिस्ट्री के बुक प्लस इन्वायरमेंट है, बायोलॉजी के कुछ बुक्स उसमें फिर इन्वायरमेंट है। तो इस तरह आप लोग 6 से लेकर 9 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को फॉलो कीजिएगा तो इन्वायरमेंटल का मैक्सिमम टॉपिक आप लोगों को कवर्ड हो जाएगा, ओके। इसके जो पब्लिशर है देख सकते हैं आप लोग जावेद पब्लिकेशंस, कोलुटोला लेन, ये भी कोलकाता में मिल जाएगी, यहाँ पे फोन नंबर दिया आप लोग फोन कर सकते हैं। इनका जो राइटर अफ्ताब आलम अलग, ये MA ज्योग्राफी एंड BEd। इसके अलावा आप लोग EVS को फॉलो करने के लिए आप लोग मैप स्किल, जो CBSE बोर्ड की तरफ से जो मैप्स का एक बुक है वर्ल्ड मैप एंड ऑल्सो इंडियाज मैप, वेस्ट बंगाल स्टेट वाइज मैप, ये क्लास 9 का ये जो मैप बुक है इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग को हल हो जाएगा, ओके, मैप्स के। नहीं तो आप लोग ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस को भी फॉलो कर सकते हैं मैप्स के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, क्योंकि सी टेट में एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस मैप्स से रिलेटेड पूछता ही है, इंडियन स्टेट में मैप से रिलेटेड।
डायरेक्शंस के बारे में या कोई भी स्टेट्स के बारे में, रिलेशंस के बारे में, रिवर्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में पूछ लेते हैं, तो आप लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, उस ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। ओके, हाईली डिटेल मैप, लेटेस्ट रियल रिलेबल डाटा रहता है और इस इंक्लूड रिसेंट डेवलपमेंट्स, और इसमें ये भी बता दिया जाता है कि इस बार कौन से कंट्री टूट के अलग हुआ, तो इसमें इस बुक में आप लोग देख सकते हैं। इसके बुक के साथ एक सीडी भी मिलता है, उस सीडी को आप लोग ऑडियो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, तो इंडिया इज मोस्ट ट्रस्टेड एटलस, एंड इंडिया में सबसे ट्रस्ट किया जाने वाला जो एटलस से रिलेटेड है ये है ऑक्सफोर्ड का, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं, आर्यन पब्लिकेशंस के बुक है और ये स्पेशल सीडीपी के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सी टेट टेट्स पेपर वन एंड पेपर टू। ओके, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आर्यन पब्लिकेशंस का। इसके अलावा आप लोग सीडीपी को फॉलो करने के लिए आप लोग यूनिक पब्लिकेशंस को बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग उपकार पब्लिकेशंस का बुक को फॉलो कर सकते हैं, दिशा पब्लिकेशंस के बुक को फॉलो कर सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजीज के लिए। इसके अलावा हिमांशी सिंह के बुक को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स। उसके बाद है आप लोग बेसिक्स इंग्लिश या इंग्लिश जो एरर्स होता है, कॉमन एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम, फिल द ब्लैंक्स, इसके लिए आप लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। एस चंद का बुक है एडवांस ऑब्जेक्टिव जनरल, सॉरी ये है आपको ईवीएस के लिए, सॉरी ये ईवीएस के लिए, एस चंद का एडवांस ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज ईवीएस, और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री इस बुक में आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसमें और इसके जो राइटर आर एस अग्रवाल, इसमें 11,000 से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है और इसमें करंट अफेयर, जीके, एवरीथिंग इसमें कोरिलेट किया गया है। इसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस सेट के लिए फॉलो कर सकते हैं सी टेट। ओके, जो कि सीबीएसई एनसीटी सिलेबस के हिसाब से जो सी टेट अभी जो एग्जाम होने वाली वेस्ट बंगाल में एनसीटी के सिलेबस के हिसाब से होगा, इसीलिए आप लोग सी टेट के प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर सकते हैं ओनली फॉर पेपर 1-5 के लिए। इसके जो पब्लिकेशन है आप लोग याद रखिएगा यूनिक पब्लिकेशन। ओके, यूनिक पब्लिकेशन। इसके बाद सी टेट की प्रैक्टिस सेट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं दिशा पब्लिकेशंस का। ओके, दिशा पब्लिकेशंस के फॉलो कर सकते हैं सी टेट के प्रैक्टिस सेट के लिए, और ये प्रैक्टिस सेट वर्कबुक ये पेपर वन के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं अपने अपने प्रिपरेशंस को और बूस्ट देने के लिए। इसके अलावा आप लोग उपकार पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर सकते हैं, जो कि बेस्ट होगा लेटेस्ट पैटर्न प्रैक्टिस सेट सेंट्रल एलिबिलिटी टेस्ट, और ये पेपर टू, अगर पेपर टू आप फॉलो कर रहे हैं तो पेपर टू में आपको ईवीएस से मैक्सिमम रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, सोशल स्टडीज को आप लोग फॉलो कीजिएगा तो ये आपको ईवीएस में काम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपको 3,000 questions। ओके, 3,000 questions फॉर ऑल 5 topics एंड हिज, यानी इसमें ईवीएस, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी और जिनका हिंदी है हिंदी इस बुक्स में मिल सकता है। ओके, तो ये स्पेशल फॉर WB टेट के लिए, ये अपडेटेड वर्जन 2.0, और ये मिल जाएगा आपको www.teacherelibilitytest.com। इस वेबसाइट में ये बुक आपको मिल जाएगा, इसमें हिंदी होगा, इंग्लिश लैंग्वेजेस होगा, CDP, पेडागोजिकल इशू होगा, मैथमेटिकल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। ओके, ये बिग डील से आप लोग इसको खरीद सकते हैं, नहीं तो इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग अगर आप लोग कोई KVS या NVS का एग्जाम देते होंगे तो आप लोग इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको CDP के क्वेश्चंस को सॉल्व करने बहुत ही इजी रहेगा। ओके, KVS, PRT जो कि प्राइमरी टीचर्स का जो एग्जाम कंडक्ट होता है प्राइमरी टीचर्स के लिए। ओके, इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट है, आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ के तब आप लोग इस बुक को फॉलो करके प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट बुक है ये है बिनॉय पब्लिकेशंस का बहुत ही फेमस बुक है। ओके, फॉर प्राइमरी टीचर्स स्टेट MCQ 2018 में पब्लिश हुआ था और इसमें इंग्लिश में ही है, ये CDP होगा 30 मार्क्स का बंगाली। ओके, इंग्लिश होगा, मैथ, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये भट्टाचार्य एंड भट्टाचार्य और बिनॉय पब्लिकेशंस इसके पब्लिशर्स है। इस बुक को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देखने के लिए। प्राइमरी में प्राइमरी का प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए PRT को फॉलो कर सकते हैं, प्राइमरी टीचर्स PRT। ओके, जो कि KVS कंडक्ट करवाता है। ओके, तो इससे भी आप लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिल जाएगा और CDP के बहुत सारे टॉपिक्स को समझने में इजी होगा।
इसको जो वेस्ट बंगाल प्राइमरी वेस्ट बंगाल जो फर्स्ट टाइम 2015 सेकंड टाइम 2015 में हुआ था, तो ये मोस्ट सेलिंग यानी सबसे ज्यादा बिकने वाला ये बुक था। तो आप लोग इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये अपर प्राइमरी के लिए इसका एक दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट जो कि प्राइमरी में बेस्ड होगा। और सोशल स्टडीज को आप लोग फॉलो कर सकते हैं फॉर द एनवायरमेंटल स्टडीज पर्पस, ओके। उपकार का ये उपकार पब्लिकेशंस का ये बुक है जो कि प्रैक्टिस सेट है। आप लोग पूरा जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करके अपने आप को ये चेक योर प्रोग्रेस, अपने प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं, ओके। ये 1-5 पे बेस्ड होगा, उपकार पब्लिकेशंस, ओके। नेक्स्ट वन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये लेटेस्ट ये बुक है फॉर WB प्राइमरी टेट, स्पेशली फॉर प्राइमरी टीचर्स 1-5, ओके। और इसमें 150 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है, और इसमें 5 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि CDP लैंग्वेज जो कि बंगाली है, लैंग्वेज टू इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड EVS, ओके। इस बुक को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं WBTET जो 2012 में हुआ था, उससे रिलेटेड ये उसका भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होगा, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी कुछ पब्लिशर्स का जो बुक है ये आप लोग देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस एग्जामिनेशंस, एंड यहाँ से आप लोग ये आपको हो सकता है आप नेट सेट GRF के लिए, लेकिन इसमें से भी आप लोग कुछ बेसिक CDPs, ओके, पेडागोजिकल इश्यूज, उर्दू इंग्लिश और सब्जेक्ट टेस्ट भी दे करके अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो, ओके। ये उर्दू से बहुत ही कोरिलेटेड क्वेश्चन होता है, कुछ सजेस्टिव कुछ MCQs इंपॉर्टेंट बुक मिल जाएगा, और ये बुक मिलेगा आपको आसनसोल में, ओके, आदिना बुक डिपोर्ट रेल पार। नेक्स्ट वन है सेल्फ स्टडी रिसोर्स बुक, ओके। ये बुक हाई पब्लिकेशंस का एक इम्पोर्टेंट पब्लिशर है, और ये एक सेल्फ स्टडी फॉर रिसोर्स बुक यानी CTET और किसी भी इंडिया में टेट होने वाले एग्जामिनेशंस से रिलेटेड को ये एक बुक पब्लिश किया था, जो कि बहुत ही एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 1-5 के लिए ये बुक निकाला था, बुक हाई, ओके। तो इस बुक को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ओके। सेल्फ स्टडी रिसोर्स बुक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET एंड पेपर 1, ओके। इसमें देख सकते हैं CDP होगा, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड EVS। और जैसे बताए थे कि इंग्लिश को देखने, बेसिक इंग्लिश को कंप्लीट करने के टेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ओके। आप लोग इस इंग्लिश ग्रामर को फॉलो कर सकते हैं, इसमें ग्रामर भी है, कॉम्पोजिशन ट्रांसलेशन तो खैर आता नहीं है, PKD सरकार का, इसमें आपको बहुत सारा मिल जाएगा, आपको एंटोनिम सिनोनिम, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल्सो द वॉइस चेंजेस, ये सब, और ये इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स आर्यन का। इसके अलावा RS अग्रवाल को मैथमेटिक्स का फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये CTET और स्टेट बहुत ही लोअर नहीं, बहुत ही बेसिक्स लेवल का मैथमेटिक्स है, तो इसमें आपको मैथ के कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओके। तो ये था आपका कुछ इम्पोर्टेंट बुक का लिस्ट। उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो को समझ में आया होगा, और आप लोग को बहुत सारे बुक्स के आइडिया हो गया होगा। अब आप लोग उसी के हिसाब से बुक को सिलेक्शन करें और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट भी करें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। और किसी भी टाइप का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।